दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मैंने ये बीटी हेडफोन बनाए हैं, तो आज मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने ये बीटी हेडफोन बनाए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये थे मेरे जो कि जैलो के हेडफोन जो कि मैंने बनाए थे। पहले पार्ट में मैंने इसकी रिव्यू बताया था, तो मैं अभी इसको चेक कर लूँ। जे इसमें डाला मैंने बैटरी डाली है, जो कि आपके आईपॉड या किसी भी छोटी चीज़ से निकल जाती है, जो कि 400 mAh 400 mAh की है। और जो है इसका स्पीकर, जो कि मैंने इसके लिए वायर डाली थी, हुई थी साइड से इसके साथ जॉइन करके। और इस साइड में देख लूँ, ये आ गया स्पीकर और ये आ गया नोकिया का BH108 हेडफोन, BT हेडफोन है। हेडफोन की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। हेडफोन की डायग्राम आप देख सकते हैं, पूरा सेम मैच है इसका। मैंने जो कि मैंने इसमें बताया जो कि इसकी पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये आगे BT स्पीकर वाले और ये BT के और ये रेड और ब्लैक जो लाइट के और ये चार्जिंग के। और ये पीछे है इसका बटन, जो कि मैंने बटन के जंपर लिए हुए हैं, जो कि मैं स्विच लगाया था, देख सकते हैं आप, ये स्विच मैंने इसमें यूज़ किया था। तो मैं इसको आपको ये है मेरे पास आईवॉल के BT4 हो चुके थे। अब मैं इसमें आपको ये BT डाल के दिखाऊंगा। तो मैंने इसकी बैटरी, इसके अंदर बैटरी डाली है, तो मैं इसको फिर से बंद कर लूँ। मैं इसको चेक करूँगा कौन सी मेरी बैटरी वाली है, कौन सी स्पीकर की है। पहले तो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि जिसके मैं वायर निकालूँ और मैं देख लूँ। हमेशा ज़्यादातर तो रेड पॉजिटिव में आती है, चेक कर लूँ मीटर में कुछ दिखाई देता है। तो मैं मीटर को वोल्टेज पर ओके कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं। जी देखिए, इसमें दिखा दिया मेरी 4.5856 वोल्टेज है। तो अब इसको स्पीकर चेक करने के लिए आपको, ये तो हमने देख ली, स्पीकर चेक करेंगे इसकी जो होती है इसकी बेल पे करना है, जो कि इसका वजर होता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे होगी इसकी बैटरी की, हम अलग कर देते हैं थोड़ी, टच ना हो ताकि इसमें बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। मैं देख लूँ तो इसमें स्पीकर का थोड़ा सा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर थोड़ा सी आवाज़ देता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वोल्टेज आ रही होती है, दो दिन स्पीकर क्लिक करता है। ये देखिए बजर में दिखा देता है ये, इसमें तो ऐसे ही हम करते हैं। ये दूसरी, तो हो गए, अब इसको हम जॉइन कर लेते हैं। ये अभी इसकी बैटरी की, तो जो मैं बैटरी के साथ जॉइन कर लेता हूँ। ये आगे वायर स्पीकर की, जो कि मेरी बिल्टी की। तो ये सोच रहे होंगे कि ये स्पीकर की वायर तो एक है, मतलब ये एक कनेक्शन आता है, तो अब हम दो स्पीकर कैसे जॉइन करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा पहला स्पीकर आ गया, अब आपको इसका जॉइन करना है। देखिए मैं जॉइन कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग से जॉइन करना है। अगर हमारा स्पीकर का कनेक्शन, तो आपको मैं बता दूँ, दोनों स्पीकर की वायर को आपने जैसे कि उसकी पॉजिटिव है उस पॉजिटिव को इकट्ठे जोड़ना है, नेगेटिव या नेगेटिव को इकट्ठे जोड़ना है। तो जहाँ उसका कई लोग तो दूसरे करते हैं, जैसे पॉजिटिव एक स्पीकर की पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ के फिर से को जॉइन बना देना। तो मैं जंपर पे, इसके बाद आपको सोल्डरिंग से जंपर करना है, तो मैं अभी सोल्डरिंग से जंपर करता हूँ। सोल्डरिंग कर लेता हूँ, मेरे पास सोल्डरिंग वायर, तो इसको मैं सबको जॉइन कर लेता हूँ। ध्यान से करना है इसे आपको, ऐसे आपको सबके साथ करना है। इसको कर दिया मैंने, इसको कर दिया, इसको कर दिया मैंने। तो मैं इसको जो करने के बाद मैं डाल लेता हूँ स्विच है, जो इसका पावर ऑन ऑफ और कॉल वाला, उसको मैं सोल्डरिंग करूँगा, ताकि आप कॉल करनी हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। देख सकते हैं मैंने बटन को भी सोल्डरिंग कर लिया है। तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, डाल लेता हूँ। सेफ्टी के लिए इसको टेप लगा देनी है, जो कि होती है टेप लगा दिए। आपको मैं ज़रूरी बात बता दूँ, इसकी जो एंटीना वायर है, अगर आपका सिग्नल कम आता है तो आप एंटीना के लिए से बढ़ा सकते हैं, आपका लॉन्गर दूर से भी कनेक्शन पकड़ सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है, मैंने इसका ये दे दिया चार्जिंग का भी दे दिया इधर से, ये चार्जिंग से। अब मैं सोचूँ बेटे को ऑन ऑफ टक्कर लगा देता हूँ, स्विच हो गया। तो मैं लॉन्ग प्रेस करने पर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो ये नोकिया मेरे इससे कनेक्ट भी हो चुकी है, ये देखिए इसको दोबारा ऑन, मेरी हमारी ऑन हो चुकी है, देख सकते हैं लाइन रेड दिख रही है। तो हम इसको कनेक्ट, इस फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
आपकी डिवाइस एंड्रॉयड, तो इसके लिए आपको एक ऐप करनी होगी डाउनलोड, इसका नाम है मीटी मोनो, आपको प्ले स्टोर से जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद इसको आपको ऑन कर देना है, ये देखिए, तो अब आप प्ले कर सकते हैं गाने। इसमें सॉन्ग आपको प्ले कर देता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए मैं माइक के पास कर रहा हूँ, ये दोनों में आ रही है, इक्वल साउंड आ रही है। देखिए आप, मैं अभी ये देखिए आप, आपको वॉइस साउंड साफ आ रही है। तो कल मैंने नोकिया के इस मोबाइल के साथ कनेक्ट की थी, तो आज मैं इसमें दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोनों स्पीकर में आवाज़ आ रही है, इसमें स्टीरियो आवाज़ आएगी, तो इसका चार्जिंग करने का। अब मैं आपको आई वाल के बोर्ड डाल के दिखाऊंगा, मीटी स्पीकर रेडी है। अब मैं जो है आई वाल का मदरबोर्ड, तो इसमें दिखाई हुआ, इसमें बैटरी, माइक, लेफ्ट राइट स्पीकर, इसका सिंपल है, इसमें चार्जिंग जैक भी है। तो अब मैं इसमें डाल के दिखाऊंगा जो इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड था, इसमें स्विच फिक्स करके दिखाऊंगा। तो इसका देखिए डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, माइक का डाल दिया, मैं इसको इसके बीच डाल दूँ, लेता हूँ, डाल दिया मैंने बॉक्स में, इसको लॉन्ग प्रेस को दबाऊँगा मैं, पावर ऑन जी बोलेगी, बोल दिया इसने पावर ऑन, तो मैं इसमें आपको ऐप की जरूरत नहीं, यू पी जी ऑन बीटी है, तो मैं इधर से कनेक्ट कर लेता हूँ, आईबॉल पल्स आ चुका है, तो मैं इसके साथ कन्वर्ट कर लेता हूँ आपको, तो इसके दोनों स्पीकर वर्किंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जी। मैंने मुझे उम्मीद है आपको जी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नई वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर